बसा है विश्व रत्न महामाना तू बोधिसत्व। अब की बार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती 129वीं बड़े ही कठिन समय में आई है। सारा देश ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया कोरोना 19 के नाम से जो बीमारी सारे दुनिया को घेरे हुए है, ऐसे हालात में जहां लोग परेशान है, सरकार परेशान है, जनता परेशान है और सारे के सारे पशु पक्षी भी परेशान है, ऐसे हालात में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती आई है। और दुख इस बात का है कि इस जयंती में जो हवाई जहाज़ से आने वाला आदमी है वो तो सुरक्षित रहा, वो तो अपने मंजिले मकसूद तक पहुंच गया, लेकिन जो गरीब था, शोषित था, दलित था, मजदूर था, वो जिस तरह से जिस भी जो भी उसको साधन मिले उस साधन से अपने गांव जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई साधन नहीं मिला, पैदल उसको सैकड़ों मील तक के चलना पड़ा, साथ में छोटे छोटे बच्चे, परिवार और सर पे वजन कुछ वस्तुओं का, कुछ सामान का, ऐसे हालात में वो रात दिन चलता रहा और भूखा प्यासा। अब इस ऐसे हालात में एक जगह भगवान बुद्ध कहते हैं किमनु हासो किमानंदो एवं पज्जलित सती है। अरे भाई, सब तरफ जल रहा है तो ऐसे हालात में आपको हंसी कैसे आती है, आपको कैसा खुशी कैसे होती है? मन में यही बात आती है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन तो खुशी का दिन है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हम एक तरफ खुशी मनाना चाहे तो दूसरे तरफ लोगों की परेशानी इतनी ज़्यादा, इतना ज़्यादा दुख है कि हम उसको खुशी में बदल नहीं सकते। और ऐसे हालात में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हम याद कर रहे हैं, ये सोचते हुए कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये सपना था, देखा था कि भारत देश मेरा सुजलाम सुफलाम होगा, और ये उम्मीद की जाती थी कि अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आज़ाद है। लेकिन आज हम देखते हैं कि सारे देश में एक तो पहले हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, पक्ष के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर अलग अलग खेमे में बटे ही थे, लेकिन आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि हम देश भी दूसरे देश के साथ दोस्ती के साथ अपना संबंध प्रस्थापित किया हुआ संबंध बरकरार नहीं रख सक रहा है। और ऐसे हालात में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को याद करते हुए मुझे ये कहना पड़ता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आप मेरी जयंती मत मनाओ, मेरा जय जयकार मत करो, मुझे ईश्वर मत समझो। आप मुझे ईश्वर समझते हैं लेकिन आप गलती करते हैं, मैं भी आपके तरह आदमी ही हूँ, बस फर्क इतना है कि मैंने जो आपको रास्ता दिखाया है वो रास्ते के अगर आप चलेंगे तो आपका भी कल्याण होगा, देश का भी कल्याण होगा और मुझे भी तसल्ली होगी कि मैंने जो कुछ त्याग तपस्या की है, जिस कॉज के लिए की है, जिस लोगों के लिए किए, जिन लोगों के लिए किए, जिस देश के लिए किए, उसका भी मुझे समाधान मिलेगा। और ये कहते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब भारत देश को आज़ादी प्राप्त हुई और उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने के पहले जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका आया 1930 में, तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वहाँ अंग्रेज़ों को तो कह दिया कि आपके आने के पहले हमारे हालात में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और आप आने के बाद भी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। पहले हम तालाबों से पानी नहीं ले सकते थे, कुओं से पानी नहीं ले सकते थे, आज भी नहीं ले सकते हैं, मिलिट्री में नहीं भर्ती हो सकते थे, आज भी नहीं हो सकते हैं, पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते थे, आज भी नहीं हो सकते हैं, और इसलिए हम भारत के लोग ये चाहते हैं कि आज भारत में ऐसी सरकार हो जो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल हो। और हम ये चाहते हैं
कि फॉर द पीपल वाली सरकार ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऑफ द पीपल के जरिए, बनिस्बत फॉर द पीपल वाली सरकार हम चाहते हैं और आप जब तक के ये बात हो संभव नहीं होगी, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप ये सत्ता अगर उन तमाम लोगों के हाथ में दें कि जो सर्वहारा है तो कुछ बात बन सकती है। और वहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत का संविधान कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में अपनी बातें कही, दलितों के हितों की बात कही, उनके अधिकारों की बात कही, कहा कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हमें दया नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। तो ये जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने की, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाऊंगा तो मैं मेरे लोगों की तो बात करूंगा ज़रूर, मेरे लोगों के हितों की हकों की बात तो करूंगा ज़रूर, लेकिन मैं भारत के आज़ादी के मुद्दे पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। और ये कहने वाले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना वादा निभाया और उनको विभक्त मतदार संघ जो मिला था वो महात्मा गांधी जी की जान बचाने के लिए उन्होंने अपना विभक्त मतदार संघ न्यौछार कर दिया, त्याग दिया, और रिजर्वेशन के नाम पे जो सुविधाएँ प्राप्त हुई उसमें ही तसल्ली की। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि आज मेरा नाम महाखलनायक के लिस्ट में इकट जमा कर दिया गया है भारत में, सारे लोग मुझे बहुत बड़ा महान खलनायक समझते हैं, लेकिन मेरे प्रति लोगों के मन में दिलो दिमाग में जो जहर भरा गया है, मेरे प्रति लोगों के दिलो दिमाग में जो दुश्मनी फैलाई गई है, वो उनकी आँखों से जब मेरे प्रति दुश्मनी कम हो जाएगी तब आने वाली पीढ़ियाँ हिंदुओं की मेरा जय जयकार किए बगैर नहीं रहेगी। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कही थी जो आज सच साबित हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जैसी बातें की थी उसी तरह की कृति, उसी तरह की एक्शन, उसी तरह की त्याग और तपस्या की बात भारत आज़ाद होने के बाद भी बाबा साहब ने की। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरी कोशिश कर रहे थे अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाने के लिए, तो बाबा साहब को कोई तत्कालीन बड़ी पार्टी उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ले जाने के लिए भेजने के लिए तैयार नहीं थी। और वह जिनका नाम लोह पुरुष के तौर पर लिया जाता है, जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, उन्होंने ये चैलेंज किया था कि मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दरवाजे और खिड़कियों की तो बात दरकिनार, रोशनदान तक के बंद कर दिए हैं, देखता हूँ डॉक्टर अम्बेडकर कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुँचते हैं, और वो भला हो वो महामना जोगेंद्रनाथ मंडल का कि जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बंगाल से नमो शूद्रा लोगों की मदद से, वहाँ के सरदार पंजाबी भाइयों के मदद से, वहाँ के मुस्लिम लीग वाले भाइयों की मदद से, और वहाँ के कांग्रेस के खुद MLAs के मदद से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिल्ली में चुन कर गए। और तब सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसी ने पूछा कि सरदार जी आपने क्या गजब कर दिया, जो डॉक्टर अम्बेडकर गांधी विरोधी है, हिंदू धर्म विरोधी है, उनको आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर कर दिया और ड्राफ्टिंग कमेटी का भी चेयरमैन कर दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़ी उदारता के साथ, बड़े उदार मन के साथ कहने लगे, तुम संविधान के बारे में क्या जानते हो, हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को इसलिए चुना है कि हमें भारत का संविधान लिखने के लिए उनकी इतना उनके बराबरी का काबिल आदमी हमें कोई प्राप्त ही नहीं हुआ, मिला ही नहीं, इसलिए हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नाम के सर्वश्रेष्ठ आदमी को, कानून के विद्वान को भारत के संविधान बनाने के काम में
ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है। शायद मैं कभी कभी सोचता हूँ कि डॉक्टर अलामा इकबाल ने ये शेर बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के लिए कहा था कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर को कहना पड़ा कि डॉक्टर आम्बेडकर आप में हमारी कैबिनेट में मंत्रिमंडल में मंत्री बनना चाहेंगे। और तब बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को उनको उन्होंने उनकी बात को हामी भरी और हिंदू कोड बिल भी बनाया, भारत का संविधान भी बनाया और जितनी भी हो सकी उन्होंने समाज की सेवा की। उसके पहले बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने वाइसराय काउंसिल में मेंबर के तौर पे, लेबर मिनिस्टर के तौर पे और अपने पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर के रूप में, और उन्होंने बहुत सारे काम किए। उन कामों में लेबर लोगों के लिए बहुत काम किया, उनके काम के जो आवर्स थे उनको तय किया, महिलाओं को बराबरी के आदमी के बराबरी का पगार वेतन देने की उन्होंने व्यवस्था की, यहाँ तक कि महिलाओं को खानों में काम करने वाले महिलाओं को जहाँ वो खड़ी नहीं हो सकती गैलरी में वहाँ काम पे न भेजने का, और उन्हें आदमी के बराबर तनखे के साथ साथ उनको सारी व्यवस्था मैटरनिटी लीव और बहुत सारी बातें हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है। वो महिलाओं के लिए उन्होंने बाबा साहब ने काम किया, मजदूरों के लिए काम किया, यहाँ तक कि हमारे देश का जो ताजमहल है उसमें कुछ खामी आ गई थी, कोई डिफेक्ट आ गया था, उसको भी दुरुस्त करने का काम बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने किया। भारत के जितने भी उस समय के एरोड्रम बने उस उन एरोड्रोम को बनाने का काम बाबा साहब ने दादा साहब गायकवाड़ को अधिकारी बनाकर किया। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने कहा कि ये जो नदी है, बड़ी बड़ी नदियाँ जो हैं, ये ब्रह्मपुत्र है, ये गंगा यमुना, ये जो नदियाँ हैं वो बाढ़ आती है खेत बाहर ले जाती है, बस्तियाँ बाहर ले जाती है, लोगों को उनको लोगों की जान माल का नुकसान करती हैं। बाबा साहब ने योजना दी कि ये जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं इनको जोड़ना, नदी जोड़ योजना जिसे कहते हैं, वो योजना दी और उन्होंने डैम बनाया, दामोदर वैली नाम का जो डैम बनाया। वहाँ बाबा साहब कहते हैं कि ये जो बाकी सारी नदियाँ हैं इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें पानी मिलेगा, डैम बनाने के बाद बहुत सारा पानी मिलेगा और बाढ़ के कारण आने वाली तबाही नहीं होगी और इलेक्ट्रिक पैदा होगी थर्मल अपने इसके आधार पर। और हम जिस तरह से ज़मीन पे चलते हैं, ज़मीन पे वाहन चलते हैं, रेल चलती है और व्यापार होता है, पैसेंजर को हम ले जा सकते हैं हवाई जहाज से, आसमान से ले जा सकते हैं, वैसे नदी के प्रवाह में हम नाव चलाकर व्यापार कर सकते हैं, लोगों को पैसेंजर के तौर पे ले जाना लाने का काम कर सकते हैं। ये बात बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने कही थी, लेकिन दामोदर वैली योजना तो उन्होंने बना ली जिसके आधार पे आगे नाकरा नागरा अपना नंगल धरण जिसे कहते हैं भाकरा नांगल धरण यानी डैम बनाया गया। और उसके बाद बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने ऐसी सारी बहुत सारी बातें की जिसका उल्लेख करना यानी समय की यानी कमी के कारण मुझे लगता है कि बाबा साहब की वो जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है जिसके तरफ हमको ध्यान देना है। बाबा साहब ने कहा था कि एक तो भारत अखंड होना चाहिए और अगर अखंड नहीं होता है और अगर चाहे हिंदू और मुसलमान भाइयों ने टू नेशन थियरी मान्य कर ली है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान बनाने का निर्णय ही ले लिया है, तो बाबा साहब कहते हैं फिर आप मेरे कहने के मुताबिक पार्टीशन कीजिए। और उसके लिए उन्होंने किताब लिखी, पार्टीशन ऑफ इंडिया, थॉट्स ऑन पाकिस्तान।
और वहाँ बाबा साहब ने कहा कि जो मुसलमान भाई भारत से पाकिस्तान में जाना चाहते हैं उनको बाइज्जत पाकिस्तान में जाने दीजिए, और जो हिंदू भाई पाकिस्तान से भारत में आना चाहते हैं उनको बाइज्जत भारत में आने दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस सुझाव को नहीं माना गया। बाबा साहब ने अपने तरफ से ये कोशिश की कि पाकिस्तान में फंसे हुए जो दलित थे, शोषित थे, उन लोगों को भारत में सुरक्षित लाने के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। तो उन्होंने अपने अधिकार में दादा साहेब गायकवाड़ को अधिकारी बनाया और पाकिस्तान से आने वाले दलित लोगों को भारत में सुरक्षित लाने की व्यवस्था की। और जब ये बात नहीं मानी गई एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन की, तो परिणाम ये हुआ कि भारत में आने वाली जो ट्रेनें होती थी, रेलगाड़ियाँ होती थी, पाकिस्तान से वो बूढ़े बच्चे महिलाओं के लाशों से भरी होती थी, और भारत से जो गाड़ियाँ रेलगाड़ियाँ पाकिस्तान में जाती थी उसका भी यही हाल होता था कि वहाँ बूढ़े बच्चे और महिलाओं के लाशें भरी होती थी। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात न मानने का परिणाम था, लेकिन ये उनके देशभक्ति का भी परिणाम था। दूसरी बात बाबा साहब ने कही थी, चाइना ने जब भारत के साथ दोस्ती की पंचशील करार के नाम से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे और चाओ एनलाई ये भारत में आए थे, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा था और पंचशील का करार हुआ था, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, राज्यसभा में कहा था कि हमारे देश ने, अर्थात उस जमाने के सरकार ने, चाइना का पंचशील करार मान्य कर बहुत बड़ी गलती की है। आज हमारा देश की सेना, हमारे देश की सेना और चाइना की सेना तिब्बत में सुरक्षित खड़ी रहती है, और ये बफर स्टेट है, उधर से चाइना की सेना, इधर भारत की सेना, और बीच में तिब्बत, तो ये तिब्बत बफर स्टेट है। अगर आगे चलकर संबंध हमारे खराब हो जाएं और लड़ाई का अगर नौबत आ जाए तो लड़ाई तिब्बत के ज़मीन पे होगी, भारत के ज़मीन पे नहीं होगी। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि बेहतर होता कि हमारे भारत देश की सरकार ने चाइना का सार्वभौमत्व, हिंदी चीनी भाई भाई वो पंचशील करार के नाम से कबूल नहीं कर लिया होता तो अच्छा होता, क्योंकि राजनीति में ये कागज़ का जो करार होता है, इसमें कागज़ के सिवा उसको ज़्यादा महत्व नहीं होता, और ख़ास तौर पे जो साम्यवादी देश होता है उसके लिए तो ये एग्रीमेंट कोई माने नहीं रखता, चाहे वो पंचशील उसका नाम हो या और कोई नाम हो। और बाबा साहब कहते हैं कि पंचशील की अगरचे इनको बहुत ज़्यादा चिंता होती तो इन्होंने तिब्बत के लोगों को, बौद्ध लोगों को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी होती, लेकिन उन्होंने अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दी। और बाबा साहब कहते हैं कि आज हमारी सेना और पाकिस्तान, अपने चाइना की सेना, दोनों की जो बॉर्डर है, देश की जो सरहद है, वो एक दूसरे से जुड़ गई है। ऐसा ना हो, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि चाइना हमेशा एग्रेसक रहा है, ये एक दिन ऐसा आएगा कि भारत पे आक्रमण किए बगैर नहीं रहेगा। और इतिहास गवाह है, 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के देशभक्ति का सबूत है। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ ये सारी बातें कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान जो बनाया तो उसमें उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात कही। तो तब वहाँ के लोगों ने, जो कॉन्स्टेंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने फ्रेटर्निटी शब्द पे बहुत ऑब्जेक्शन लिया, कहा कि ये बंधुता की कोई ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब ने कहा समता, स्वतंत्रता ये जो माने रखती है, अगर बंधुता नहीं है तो उसको कोई कीमत नहीं है।
और आज हम देखते हैं कि बंधुता का भाव न होने के कारण हम हमारे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे और बाकी जो निजामुद्दीन है और वैष्णो देवी है इनके भी नाम से और अयोध्या के और बाबरी मस्जिद के नाम से लड़ाई लड़ रहे, लड़ते रहे, ये सारी बातें हो गई हैं। तो बाबा साहब ने कहा था कि ये बातें ना हो, इसलिए बंधुत्व की बहुत ज़रूरत है। आज हालात ऐसे हैं कि हमें इन तमाम बातों के तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी सरकार, बाबा साहब कहते हैं कि लोकशाही अगर सलामत रखनी है तो हमें ये जो गरीबी और अमीरी की बहुत बड़ी खाई है, तैयार हुई है, उसको पाटना होगा, उसको नष्ट करना होगा, उसको आर्थिक और सामाजिक राजकीय स्वतंत्रता की तरह आर्थिक और सामाजिक समता में और राजनीति में बदलना होगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी, इसका अंगीकार करना होगा। और अगर ये करते हैं तो ही हमारा देश सुखी रह सकता है, वरना जिन लोगों को आर्थिक और सामाजिक विषमता का शिकार होना पड़ा, वे लोग बड़ी मेहनत से, त्याग और तपस्या से बनाया हुआ ये लोकशाही की इमारत है, इसको नष्ट किए बगैर नहीं रहेंगे। और ये बात आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बाबा साहब ने जमीन का प्राइवेट, जमीन का नेशनलाइजेशन की, इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन करने की बात कही थी। आज हमारे तरफ देश में रेलवे का नेशनलाइजेशन करने के बदले वहाँ उसका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अपने LIC का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बैंकों का बैंक प्राइवेटाइजेशन होने की कोशिश हो रही है, और सारे के सारे जो बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको भी प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। और सारे गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, सर्वहारा, OBC और आदिवासी लोगों के जीवन और मृत्यु का सवाल निर्माण हो रहा है। और इसलिए हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब की अगर जो हम जयंती मनाते हैं तो प्राइवेटाइजेशन का हमने विरोध करना होगा। हमें ये भारत की जो ज़मीन है इसका भी नेशनलाइजेशन की बात करना होगा, और जो भूमिहीन लोग हैं उनको भूमि देना होगा। बाबा साहब ने इसके लिए स्टेट सोशलिज्म की बात कही कि स्टेट सोशलिज्म में डिक्टेटरशिप भी नहीं होगी और वहाँ किसी भी तरह की लोकशाही का नुकसान भी नहीं होगा। ऐसे हालात में स्टेट सोशलिज्म की बात कही और कहा कि खेतीहर जो किसान है उसको हमने ज़मीन देनी है, उसको हमने बीज देने हैं, उसको हमने खाद देने हैं, उसको हम सारी तरह की बैल देने हैं, सारी सुविधाएं देनी है, और जो फसल आएगी उसमें सरकार का जो हिस्सा है सरकार लेगी और बाकी हिस्सा किसान का होगा। ये बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने जो बात स्टेट सोशलिज्म की कही थी उसका अगरचे अंगीकार हो गया होता तो आज हजारों की, लाखों की तादाद में किसान लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं वो नहीं होती। और आज भी समय है कि हम इस बारे में सोचें, प्राइवेटाइजेशन को रोके। और दूसरी बात बाबा साहब ने सबसे महत्वपूर्ण कही थी कि हमारे देश में लोकशाही को सलामत रखना हमारी जिम्मेदारी है। लोकशाही का मतलब और संविधान का मतलब ये है कि आज जो सरकार सत्ता में है वो हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रहने चाहिए। दूसरी बात कि लोग कहते हैं कि हम 50 साल तक के राज करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिर सरकार नहीं होनी चाहिए, अनित्य सरकार होनी चाहिए। एक 5 साल के बाद दूसरी सरकार आने के लिए रास्ता मुक्त होना चाहिए। इसके लिए विरोधी पक्ष ताकतवर होना चाहिए, माइनॉरिटी लोग सुरक्षित होनी चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि हीरो वर्शिप नहीं होनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर नेता का नाम लेकर इंडिया और इंडिया इज दैट पर्टिकुलर पर्सन, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप है तो मुमकिन है और आप नहीं है तो नामुमकिन है, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए।
और बाबा साहब कहते हैं कितना भी महान हो जाए नेता, उसके चरणों पे लोगों ने अपने विचार स्वतंत्रता के, मत स्वतंत्रता के जो फूल है अर्पण नहीं करने चाहिए। ये जॉन स्टुअर्ट मिल की बात कहते हैं। और आयरलैंड का जो देशभक्त है ओकोनेल डैनियल, उसको कोट करते बाबा साहब कहते हैं नो नेशन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ लिबर्टी, नो मैन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड नो वुमन कैन बी ग्रेटफुल एट द कॉस्ट ऑफ चेस्टिटी। कोई भी देश अपनी आज़ादी की कीमत चुकाकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता, कोई भी आदमी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को स्वाभिमान की कीमत चुकाकर बलि देकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकता, और कोई भी महिला अपनी इज्जत आबरू की कीमत चुकाकर कृतज्ञता व्यक्त नहीं कर सकती। और ये बात कहते हुए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि हर आदमी को अपना मत, वन मैन वन वोट, और वन वोट वन वैल्यू की बात उन्होंने कही कि हर एक आदमी का एक मत और उसकी कीमत एक। काम करने वाली खेत में महिला, उसकी भी कीमत वोट की एक ही होगी, उतनी होगी जितनी प्राइम मिनिस्टर बनी हुई महिला की होगी। और दूसरी बात बाबा साहब कहते हैं वन वोट वन वैल्यू, उसकी भी कीमत, वो वोट की कीमत उतनी होनी चाहिए। एक आदमी को एक वोट तो होना ही चाहिए, लेकिन वो उसकी वोट की कीमत भी एक जैसी होनी चाहिए। ये बातें बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने कही। और आज जहाँ धर्म के नाम पे कोरोना में भी जिनको याद आ रहा है धर्म, नमाज के नाम पे पुलिस पे लोग दौड़ रहे हैं, पूजा के लिए लोग इकट्ठा हो रहे, भीड़ जमा कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, भांग अपना डांडिया नाच रहे हैं। यही नहीं तो दीपक जलाने के साथ साथ फटाके भी उड़ा रहे हैं, बहुत बड़ी मशाल जुलूस भी निकाल रहे हैं। ये बातें नहीं होनी चाहिए। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि हमारे देश में अब दोबारा कोई पाकिस्तान नहीं होगा, अब हमारे देश में दूसरा कोई पार्टीशन नहीं होगा, और धर्म के नाम पे हमारे देश का नाम नहीं बदलेगा। और आखिर में बाबा साहब कहते हैं कि हमारे देश में अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल्स इन इंडिया फॉर द रीजन्स आई हैव मेंशनड, द रिजल्ट विल बी रिबेलियन एंड अनार्की, बेबंदशाही होगी, अनार्की होगी और बंडखोरी होगी। इसलिए बाबा साहब कहते पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नष्ट मत होने देना, एक ही आदमी को महान नेता बनाना मत बनाना, लोकशाही सलामत रखने के लिए विरोधी पार्टी कायम रखना। और आखिर में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कई भाई अनेक भाई एक जाति के धर्म के नाम पे देश को बदलना चाहते हैं। इतिहास में नेपाल नाम का देश था जो हिंदू राष्ट्र कहलाता था, लेकिन इतिहास आज बता रहा है मैं कि कई साल सैकड़ों साल तक के नेपाल हिंदू राष्ट्र रहा, लेकिन आज वो हिंदू राष्ट्र नहीं है। वहाँ माओइस्ट घुस गए हैं, वहाँ डेमोक्रेसी घुस गई है, वहाँ पार्लियामेंट भी बन गई है और प्राइम मिनिस्टर भी आ गया है। ऐसे हालात में जहाँ बुद्ध हुए, कबीर हुए, महावीर हुए, जहाँ सम्राट अशोक हुए, हर्षवर्धन हुए, जहाँ कबीर और जहाँ महात्मा ज्योतिबा फुले, आगरकर, तिलक, शाहू महाराज, बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार अपने अपने महात्मा अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसी महान हस्तियाँ, रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसी महान हस्तियाँ पैदा हुई। वहाँ हमारा देश एक विशिष्ट जाति का, विशिष्ट धर्म का नाम लेकर हमारे देश को दोबारा पार्टीशन के दहलीज पे नहीं पहुंचा सकता और नहीं पहुंचाना चाहिए। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर को तमाम लोग जो घर में बैठ के उनकी जयंती करेंगे,
डीजे पे नहीं नाचेंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे, भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जय जयकार अपने घरों में करेंगे, अपने घरों में डिजिटल जयंती मनाएंगे और ईमानदारी के साथ आज जो घड़ी संकट की भारत पे आई है, कोरोना को ईमानदारी के साथ लोगों की जान बचाने के लिए, देश की जान बचाने के लिए, कोरोना को हराने के लिए अंबेडकर बाबा साहब का जय जयकार करते हुए, भगवान बुद्ध का जय जयकार करते हुए, महात्मा फुले ज्योतिबा फुले ज्योतिबा महात्मा ज्योतिबा फुले कबीर जी और तुकाराम महाराज, नामदेव महाराज, तुकड़ोजी महाराज, तुकार, ये सारे नेताओं को, इन गाड़गे महाराज, इनको महापुरुषों को याद करते हुए ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के देश को अभी जो है अखंड रखने की प्रतिज्ञा करेंगे और भारत के संविधान को सलामत रखने के लिए जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहेंगे, ऐसी उम्मीद करता हुआ बाबा साहब को मैं आदरांजलि अर्पण करते हुए ये कहना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब का जो धोखे का इशारा है ये आप ध्यान में रखना। बाबा साहब ने कहा सारे भारत के लोगों को, इफ़ हिंदू राज डज रियली बिकम ए फैक्ट इंडिया, इफ़ हिंदू राज डज रियली बिकम ए फैक्ट इट विल बी द ग्रेटेस्ट कैलामिटी टू दिस कंट्री। नो मैटर वॉट हिंदू से बट हिंदुइज्म मेनांस टू इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, हिंदू राज मस्ट बी प्रिवेंटेड एट एनी कॉस्ट। बाबा साहब कहते हैं कि कोई भी हालत में हिंदू राज को हमको रोकना होगा, इसको भारत राज इंडिया दैट इज भारत का ही राज रखना होगा, इसको हिंदू राज नहीं बनाना होगा। इन शब्दों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आदरांजलि श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए तमाम भारत के भाइयों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जयंती की शुभेच्छा देते हैं। दुनिया के लोगों को शांति और अमन के लिए, लोकशाही के लिए, भाईचारे के लिए, समता बंधुता को सलामत रखने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आदरांजलि व्यक्त हुए जय भीम जय भारत कहते हैं।